लिंग का साइज कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में काफी सवाल हमको आते रहते हैं। उसके साथ साथ प्री मैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन, फिर लिंग में कठोरता नहीं आना और सपने में वीर्यपात होना, ऐसे काफी सारे सवाल लोग करते रहते हैं। उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने हेतु यह वीडियो बनाया हुआ है। देखिए, एवरेज साइज जो है पेनिस का, मतलब लंबाई जो है, वो लंबाई जो स्टडीज में निकल के आई हुई है, वो जब लिंग ढीला रहता है तब 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए, फिर लंबा कितना भी हो सकता है। और जब इरेक्ट है तब 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए, लंबा कितना भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम लिंग की साइज बढ़ाओ, ये प्रॉब्लम लेके लोग हमारे पास में आते क्यों हैं, क्योंकि वो पॉर्न मूवीज में देखते हैं, पॉर्न वीडियोज में देखते हैं लंबे लंबे लिंग की, जिनका साइज 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच है, और फिर उनको लगता है कि अपना कम है, और दोस्त भी फिर उनको चिढ़ाते हैं, टीज करेंगे, बुली करेंगे कि तेरा छोटा है, और फिर वो पेशेंट बन जाते हैं। एक्चुअली पॉर्न मूवीज में जो बताया जाता है वो एक्ट्रेस है, उनके वैसे ही लिंग ढीलेपन में भी उनका वैसा लिंग लंबा रहता है। 1000 लोगों में 7 लोग कम से कम ऐसे रहते हैं कि जिनका लिंग जो है वो 6-7 इंच से बड़ा होता है। ऐसे लोगों को मूवी में लिया जाता है, और इरेक्शन के बाद में तो और लंबा होता है वो, और वैसे ही वो दवाइयाँ लेते हैं कि जिससे लिंग का साइज, लंबाई बढ़ जाएंगी, आकार बढ़ जाएगा, इंजेक्शन लेते हैं, गिरना नहीं चाहिए इसलिए लेते हैं इंजेक्शन गोलियाँ, पहले हाथ से निकालते हैं बाद में लंबा करते हैं, इरेक्शन करते हैं बाद में सेक्स करते रहते तो और लंबा चलता है वो। शूटिंग का भी खेल है कि शूटिंग ऐसा कर लेते कि लगता है कि भाई 1-1 घंटा चल रहा है, तो ऐसे इसमें फिर गलतफहमियाँ ज़्यादा फैलती है। लिंग का साइज लंबा करने के लिए आप घूमते जाओगे तो सिर्फ आपका खिस्सा जो है वो खाली हो जाएगा, बाकी तो कुछ और होने वाला है नहीं। पेनाइल ट्रैक्शन टेक्निक्स है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं कि जो जिसको थोड़ा सा ऐसा लंबा करने का, तो उसमें 1 इंच यानी बहुत ज़्यादा हो गया तो 1 इंच लंबा करने के कुछ स्टडीज़ हैं। एवरेज में 1-2 सेंटीमीटर बढ़ सकता है। यदि आप उसको ऑयलिंग करते हैं, मसाज करते हैं, लंबा वायर खींचते हैं, वैक्यूम पंप लगाते हैं, वैक्यूम पंप से बड़ा कर देते हैं और रोज़ बड़ा करके रखते हैं, तो हो सकता है कि वो इलास्टिक है तो हो सकता है कि बड़ा हो जाएगा। अदरवाइज ऐसी कोई दवा नहीं है कि दवाई लेते हैं, ना आयुर्वेदा में है, ना होम्योपैथी में है, ना एलोपैथी में है कि वो दवाई लेके लंबा हो जाएगा। हाँ, दवाई लेके इरेक्शन आ सकता है, कड़क हो सकता है, कठोर हो सकता है, लैक्सिस में ढीलेपन में बड़ा होने का कोई दवाई नहीं है। तो लोग पूछते हैं कि सर्कमसीजन यदि करते हैं, खतना करते हैं कि सामने बहुत ज़्यादा स्किन आया हुआ है, समझो ऐसे ये पेनिस है, ऐसा स्किन सामने आया हुआ है, तो क्या सर्कमसीजन करना चाहिए, खतना करना चाहिए? तो बिल्कुल ज़रूर खतना करना चाहिए, क्योंकि वो यदि चमड़ी पीछे नहीं जाती है तो बाद में सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है, तो इसलिए सर्कमसीजन करना जरूरी है। लोग बोलते हैं सर्कमसीजन से क्या सेक्स में मजा कम आएगा या ज़्यादा आएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कम आएगा ना ज़्यादा आएगा, जो आएगा वो आएगा। सर्कमसीजन कोई ख़राब नहीं, सर्कमसीजन एक छोटा सा ऑपरेशन है कि जो यदि आप करते हैं तो जो लिंग ये चमड़ी पीछे आती है ना, वो जाएगी। हाँ, सर्कमसीजन के फायदे हैं खतना करने के, एक ये है कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो है, मतलब गुप्त रोग होने के चांसेस कम बन जाते हैं, कम होते हैं यदि आप खतना करते हैं तो। वैसे पेनाइल कैंसर जो है, कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वहाँ, जो कुछ भी तकलीफ हो रही है वो स्किन की वजह से हो रही है, स्किन ज़्यादा की है, वही काट दिया तो प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि स्किन काट दिया, सर्कमसीजन कर लिया, खतना कर लिया, तो कुछ लोगों को सेक्स में मज़ा नहीं आता है, कुछ लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है, वो अपने अपने ऊपर है। खतना जो करते हैं, कुछ धर्म में रिलीजियस धार्मिक कारण के लिए भी खतना किया जाता है, धर्म में लिखा हुआ है कि खतना करो, कोई कल्चर्स में संस्कृति में कि खतना करना चाहिए, मगर आप करो या ना करो उसका सेक्सुअल लाइफ में वैसा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। फिर लोग पूछते हैं कि भाई मैं बेड पर ज़्यादा समय तक कैसा टिक पाऊँ? ऐसा है कि 1 मिनट के पहले गिरने वाले, कि 1 मिनट के पहले गिर जाता है, ऐसे बहुत लोग हैं
करीब करीब 30% 30% लोग ऐसे कि जिनका 1 मिनट के पहले गिर जाता है अंदर, और फिर वो नाखुश हो जाते हैं, पार्टनर नाखुश है। आपका ज़्यादा भी चल रहा है 1 मिनट से ज़्यादा, मगर यदि पार्टनर या आप खुद खुश नहीं है सेक्सुअल एक्टिविटी से, उनको समाधान नहीं मिल रहा है, तभी भी वो शीघ्र पतनी है। और उससे प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों की पट्टी नहीं है, बनती नहीं है, चली जाती है। मेरे पास में रोज़ कम से कम 1-2 लोग ऐसे आते हैं कि वाइफ चली गई, रहने को तैयार नहीं है, वो बोलती है कि नहीं तुम आदमी में नहीं है, तुम मुझे समाधान नहीं दे पा रहे। और फिर वो ये नहीं बोल रही है कि सेक्स हो रहा है, वो बाहर जाके क्या चिल्लाती है कि ये आदमी में नहीं है, ये तो सेक्स करता ही नहीं है, इसको तो सेक्स मालूम ही नहीं, और बदनामी भी करती है। कितने सारे लोग मेरे यहाँ आते बोलते हमको सर्टिफिकेट दे दो, क्योंकि मैं उनको तपासता हूँ, उनका लिंग जो है एकदम नॉर्मल रहता है, उनका हम सीमेन टेस्ट भी कर लेते हैं, वीर्य का टेस्ट, वो भी एकदम नॉर्मल, सब नॉर्मल रहता है, सिर्फ शीघ्र पतन हो गया करके उसको समाधान नहीं मिलता औरत को, और फिर वो चली जाती है, बोलती मेरे को रहना ही नहीं है कि मेरे को समाधान नहीं मिल रहा है। तो उसका इलाज करना बहुत जरूरी है, उसके लिए स्प्रे है, क्रीम्स लगा सकते हैं, जेली लगा सकते हैं, एनिसेटाइज कंडोम्स आप लगा सकते हैं, दवाइयाँ हैं, मेडिकेशंस SSRI बेंजोडाइजिपिन या दवाइयाँ ले सकते हैं। तो ये सब आप यदि करते हैं तो डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, कीगल्स एक्सरसाइज से भी बहुत आराम मिलता है। कुछ लोगों को इरेक्शन कंटिन्यू करने में तकलीफ होती है, मतलब एक तो इरेक्शन आता ही नहीं है, बहुत टाइम लगता है, उनको हाथ से खिलाना पड़ता है, मसाज करना पड़ता है, बाद में इरेक्शन आता है, और फिर अंदर डालने के बाद में उनके दिमाग में कंटिन्यू रहता है कि क्या ढीला पड़ेगा, क्या ढीला पड़ेगा, और जब ये दिमाग में आता है तो ढीला ही पड़ जाता है और बाहर निकल जाता है, मतलब बिना पानी निकलते ढीला हो जाता है और लिंग बाहर आ जाता है। अभी इसमें उनका टेस्ट करना जरूरी है कि भाई डायबिटीज़ है, मतलब शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, कोई दवाइयाँ चल रही है, और सब पूरा टेस्ट करने के बाद में यदि कुछ भी निकलता नहीं है तो डेफिनेटली अपने वैक्यूम बम का इस्तेमाल करना चाहिए, सिल्डेनाफिल टैडालाफिल जैसी दवाइयाँ लेना चाहिए, और आप यदि एक्सरसाइज रेगुलर करते हो, नींद लेते हो, दिमाग के ऊपर टेंशन प्रेशर कम लेते हो, तो आपका जो लाइफ है वो सेक्सुअल लाइफ है अच्छा चल जाएगा। सिल्डेनाफिल जो है वो थोड़ी सावधानी से लेनी चाहिए, जिनको आँख का प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, सिल्डेनाफिल नहीं लेनी चाहिए। सिल्डेनाफिल लेने से बहुत बार ऐसा होता है कि लिंग बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है और बाद में ढीला होता ही नहीं है, उसको बोलते हैं प्रायापिज्म, और जब वो ढीला ही होगा नहीं तो फिर दर्द करने लगता है। 4 घंटे से ज़्यादा यदि वो टाइट है और वो ढीला नहीं हो रहा है तो फिर तो बहुत दर्द करना चालू हो जाता है, धीरे धीरे नीला या काला पड़ सकता है, तुरंत डॉक्टर के पास में जाके उसको ढीला करवा के लेना होगा। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई जिससे आपकी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी और डेफिनेटली आपका सेक्सुअल लाइफ अच्छा हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।